हाय फ्रेंड्स, नीता की रसोई में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए टमाटर की चटनी लेकर आई हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। चलिए आपको मैं इसकी सामग्री बता दूँ। आधा किलो टमाटर लिया है, इसे हमने मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर तैयार कर लिया है। 2 तेज पत्ता, आधा चम्मच जीरा, आधा टीस्पून राई, आधा टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून नमक, आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून इमली का पेस्ट और 2 टेबल स्पून ऑयल लगेगा। चलिए हम टमाटर की चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई लिया है, गैस ऑन कर लिया और हमें इसे मीडियम फ्लेम में रखना है। हमने 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। देखिए तेल गर्म हो गया है, इसमें हमने जीरा डाल दिया, राई और ये मेथी दाना, तीनों को साथ में डालना है। इसे हमने अच्छी तरह तड़कने देंगे और ये तेज पत्ता, देखिए अच्छे से तड़क गया है जीरा राई। अब हम इसमें ये 2 चम्मच पेस्ट डाल देंगे लहसुन का, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, देखिए तेल वैसे ही गर्म था, ये भून चुका है पेस्ट। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल देते हैं और तुरंत ही अब हम इसमें ये पेस्ट डाल देंगे। टमाटर का फ्लेम हमने कम कर लिया है, ये इमली का पल्प डाल देंगे, इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, तेल छूटते तक इसे पकने देंगे। हमने मीडियम फ्लेम पे रखा है और ढक्कन ढक देंगे और बीच बीच में इसे चम्मच चलाते जाएंगे। आप इस चटनी में गुड़ या शक्कर ऑप्शनल है, मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ, आप आधा चम्मच गुड़ या शक्कर डाल सकते हैं। मुझे थोड़ी मीठी चटनी अच्छी लगती है, इसलिए मैं ये थोड़ा सा दिगला डाल रही हूँ, गुड़ का लगभग आधा चम्मच के बराबर है। जैसे आप गुड़ या शक्कर, जब शुरू में मैंने टमाटर की प्यूरी डाली थी तभी आप डाल सकते हैं। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, देखिए चटनी बनकर तैयार है। हमने फ्लेम बंद कर दिया है, देखिए तेल ऊपर आ रहा है और ये चटनी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और 1 महीने से 1.5 महीने आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और बाहर भी 15 से 20 दिन इसे कुछ नहीं होता है, आप रख सकते हैं बाहर। चलिए अब हम इसे सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। देखिए हमारी टमाटर की चटनी बनकर तैयार है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, आप इसे जरूर बनाइए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।